नमस्कार दोस्तों, जीके के शॉर्ट ट्रिक में फिर से हम आपके पास हाजिर हो चुके हैं। जीके का शॉर्ट ट्रिक है 18वीं सदी की लड़ाई को ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। तो याद रखिएगा, हमारा ट्रिक कहता है 57 यानी 57 फ्लास से 60 बॉडी को 61 बार पानी पिलाया। 57 फ्लास से 60 बॉडी को 61 बार पानी पिलाया। बस इसी चीज़ को याद रखिए और 18वीं सदी में जो जो लड़ाई हुए थे सारा का सारा याद हो जाएंगे। तो चलिए इस ट्रिक का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले फ्लास, फ्लास से क्या होगा, फ्लास से होगा दोस्तों 1757। क्या होगा 1757 यानी फ्लास मतलब फ्लासी का युद्ध। याद रखिएगा क्या होगा, फ्लासी का युद्ध। और यह फ्लासी का युद्ध कब हुआ था इसके भी विषय में जान लेते हैं। फ्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में। यह 57 जो है यहाँ पर आ चुका है। और यह जो है अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हराया था। किसको हराया था यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हराया। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार बनने वाले हैं। वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों बॉडी। यह जो बॉडी है इस बॉडी से यहाँ पर क्या होगा, वाडीवास का युद्ध। क्या हुआ था, वाडीवास का युद्ध हुआ था। ठीक है, वाडीवास का युद्ध हुआ था। कब हुआ था, 1760 में हुआ था। फ्रांसीसी पराजित हुए थे। कौन पराजित हुए थे दोस्तों, फ्रांसीसी जो है इसमें पराजित हुए थे। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर बॉडी 60 को यहाँ पर लिख दिए गए 60। ठीक है, अब यहाँ 61 यानी कि 1761 में यानी कि पानीपत का तीसरा युद्ध। मैंने पहला युद्ध भी बताया, दूसरा युद्ध भी बताया, अब पानीपत का जो है यहाँ पर तीसरा युद्ध के बारे में बता रहे हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो पानीपत का जो तीसरा जो लड़ाई है वो कब हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था। यह किसके किसके बीच हुआ था यह भी जान लेते हैं। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। किसको हराया था दोस्तों, अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया। याद रखिएगा, इसको बहुत ज़्यादा आपको काम आएंगे। यानी कि फ्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, अंग्रेज़ ने सिराजुद्दौला को हराया था। और वाडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, फ्रांसीसी पराजित हुए थे। और 1761 यहाँ देखिएगा 61 बार पानी पिलाया यानी पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, 1761 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से आप इस ट्रिक को याद रख सकते हैं। और इससे भी अच्छे अच्छे ट्रिक अगर आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबा के जुड़ जाइएगा। तो फिर मिलते हैं कोई इसी प्रकार से कोई एक नई ट्रिक के साथ, कोई एक नई जानकारी के साथ।